गाइस आप लोगों का वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आए हुए हैं रॉयल ऑटो विंग्स बांडीपोरा के शोरूम पे। यहाँ जो गाड़ी अभी अभी आई हुई है ग्रैंडाइट एंड नियोस नई वाली फेस लिफ्टेड वर्जन 2023। सपोर्ट्स वेरिएंट है, हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं और क्या इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो सामने से यहाँ पर ग्लासी ब्लैक फिनिश के अंदर ग्रिल दे दी गई है नई वाली, और यहाँ जो DRLs हैं ये काफी नए लुक में दिए गए हैं। यहाँ आयर कर्टेन ये वाई शेप में दिए हुए हैं और यहाँ भी कुछ डिजाइन एलिमेंट हैं। आगे से जो गाड़ी है काफी कूल लगती है, काफी मॉडर्न लगती हैं और काफी कंटेम्प्रेरी लगती हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ भी कुछ क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ भी कुछ क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जो पैनल गैप्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, जो इसका बोनेट है उसमें कट्स हैं, क्रीजेस हैं, और जो इसका लोगो है ये आप सैटिन सिल्वर फिनिश के अंदर दिया हुआ है, तो इसे भी लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। गाइस ऐसे कुछ इसके DRLs का लुक, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो उस अंदाज से नहीं दिखता है, तब भी दिखने में काफ़ी कूल लगता है। जो इसका फ्रंट DRL है इस साइड भी और इस साइड भी। गाइस अगर हम साइड के लुक की बात करते हैं, साइड का लुक भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। थोड़े से यहाँ पे लाइनस हैं, कुछ कट्स हैं, तो इससे गाड़ी का लुक जो है वो और अच्छा निकल के आ जाता है। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करते तो 15 इंच के इसमें रिम्स दिए हुए हैं 175/60R15, और ये अलॉय व्हील नहीं है, बट इसके ऊपर कैप्स लगे हुए हैं, स्टील रिम है, मगर डिजाइन जो है वो काफी कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न है। सिल्वर और जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर जो एक डिजाइन दिया है वो काफी अच्छा लग रहा है, काफी कूल लग रहा है। आगे में डिस्क ब्रेक्स हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में। तो अर्लियर इसमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते थे, लेकिन अब इसमें 15 इंच के स्टील रिम्स आ जाते हैं, इनमें व्हील कैप्स लगे हुए हैं कंपनी से, बट डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। जो इसका ORVM है साइड व्यू मिरर, इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये ऑटो फोल्डेबल हैं और ऑटो एडजस्टेबल हैं। जो इसका बी पिलर है ब्लैक आउट किया हुआ है कंपनी से ही, और जो इसका सी पिलर है ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो मैट नहीं है। और यहाँ पर G10 की बैजिंग भी दी हुई है, ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर दी हुई है, इससे भी जो लुक है वो काफी अच्छा निकल के आ जाता है। एक यूनिक चीज है इस गाड़ी में। और इसमें LED आपको टेललाइट भी मिलते हैं, जो अर्लियर जो पहले वाली आती थी तो उसमें टेललाइट्स LEDs में नहीं आते थे, ये आप देख सकते हो। ये भी कुछ वाइट टाइप डिजाइन में दिया हुआ है ये, और यहाँ भी आप देख सकते हो रेड कलर में कुछ डिजाइन एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट्स की बैजिंग, यहाँ पर नियोस की बैजिंग, जो आई है आई ब्लू में दिया हुआ है, बाकी ब्लैक में दिया हुआ है, यहाँ पर सिल्वर भी दिया हुआ है, सिल्वर की कोटिंग फिनिशिंग, ये सेटिन सिल्वर में, यहाँ पर Hyundai का लोगो, और यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी दिया हुआ है। गाइस अगर हम पीछे के बम्पर की बात करते हैं, दो रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कलर में स्कर्टिंग भी दिए हुए हैं जो रियर बम्पर है उसके नीचे, इसे भी लुक काफी अच्छा निकल के आ जाता है। गाइस पीछे से लगती है गाड़ी कुछ ऐसी, जो ये बीच में कनेक्ट कर रहे हैं दो रियर टेल लाइट्स को, इससे रियर का लुक काफी ज्यादा बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले। इसमें हमें इस वाले वेरिएंट में डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर वॉशर नहीं दिया हुआ है, लेकिन पार्सल ट्रे जरूर दिया हुआ है कंपनी से। ये हाई स्टॉप माउंट लैंप, ये शॉक फिन एंटीना और दो रूफ रेल जो हैं वो इस गाड़ी में दिए हुए हैं कंपनी से ही। ये रेन वाइजर्स आफ्टर मार्केट में लगाए हुए हैं, तो ये भी काफी हेल्प करते हैं रेनी सीजन में।
यहाँ से जब आप इसमें हाथ डालते हो तो इसका बूट ओपन हो जाता है। 260 लीटर्स का इसमें आपको बूट मिल जाता है। तो कुछ ऐसा है इसका बूट। और यहाँ से एक हुक भी दिया हुआ है और बूट लाइट भी इसमें दी हुई है। तो अगर हम एक्स्ट्रा टायर की बात करते हैं, स्पेयर टायर, तो ये इसमें 14 इंच का दिया हुआ है। ये है पार्सल ट्रे और यहाँ भी कुछ कवर दिया हुआ है। ये किया हमने बूट को बंद। अब जाते हैं हम गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें इस गाड़ी में मिलते हैं। पहले तो इसमें हमें हाइट सीट एडजस्ट मिलता है और ये है सीट को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर एक बटन। तो ऑल फोर पावर विंडोज इसमें मिल जाते हैं हमें, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, तो जो रियर विंडोज़ हैं वो अप एंड डाउन नहीं हो जाएंगी फिर। तो ये है अनलॉक, ये है गाड़ी का लॉक, ये हैं जो और वीएम्स हैं इनको फोल्ड करता है ये बटन। और यहाँ से एडजस्टमेंट होती हैं। तो यहाँ से जो सैटिन सिल्वर में ये कोटिंग यहाँ पे की हुई है, तो डोर हैंडल है इसमें काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है। ऐसा है इस गाड़ी के डोर पैड्स का लुक, काफ़ी ज़बरदस्त ड्यूल ट्यून इंटीरियर्स के साथ ये गाड़ी आ जाती है। और यहाँ पे कुछ ग्रे कलर में ये दिया हुआ है। फोर स्पीकर्स आ जाते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पर एक लीटर के बोतल की रखने की जगह है। और जो फ्रंट विंडो है, जो फ्रंट विंडो है ये वन टच है, वन टच, ये आप देख सकते हो ये वन टच है, ये फिर खुद डाउन होता है। बाकी अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं, इंटीरियर्स हमेशा से इस गाड़ी के टॉकिंग पॉइंट रहे हैं। काफ़ी स्पेशियस अंदर से ये गाड़ी लगती हैं, बाहर से थोड़ी बहुत कम्पैक्ट लगती हैं। रिवर्स कैमरा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, आर्टिस्ट का टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ में। इसमें आपको ऑटो एसी मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से USB, यहाँ से चार्जिंग सॉकेट के लिए जगह। इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है और रिवर्स गियर। यहाँ पर भी कुछ क्रोम की टचिंग है, इससे भी गाड़ी का जो लुक है वो एनहांस हो जाता है। तो अगर हम ग्लो बॉक्स की बात करते हैं, बड़ा ग्लो बॉक्स है इस गाड़ी में और यहाँ से भी कुछ सामान रखने की जगह है। तो यहाँ से जो इंटीरियर का लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। कुछ होने के मैच टाइप में यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। बाकी प्लास्टिक्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, प्लास्टिक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ये सारा डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ इसे कनेक्ट हो जाता है। और ये कुछ नॉब्स हैं, तो इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक लगती है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में जो एयर कॉम वेंट्स हैं, जो एसी वेंट्स हैं, वो दिए हुए हैं। तो एक कॉकपिट टाइप डिज़ाइन में ये दिए हुए हैं। जो सीट्स की कुशनिंग है वो ठीक ठाक रहने वाली है। यहाँ से जो साइड बोस्टरिंग है वो भी ठीक ठाक रहने वाली है। और यहाँ से दो कप होल्डर्स के लिए जगह है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ, ये हैंड ब्रेक। और बाकी अगर इसका MID हम चेक करते हैं तो कुछ ऐसा है MID का लुक। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है, और इसमें हमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी में। जो एक नया फीचर आया है वो दिया हुआ है। और बाकी ऐसे हैं कुछ इसके AC वेंट्स का लुक। यहाँ से सिल्वर का काफ़ी काम किया हुआ है इस गाड़ी में, यहाँ पर भी सैटिन सिल्वर की कुछ टचिंग है। और बाकी जो इसके IRBMs हैं, ये जो मैनुअल में दिए हुए हैं, यहाँ से एक वैनिटी मिरर ज़रूर दिया हुआ है। और डैश काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, लेआउट काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती है यहाँ पर Hyundai आपको। इंटीरियर्स की क्वालिटी टॉप नॉच, ये आप देख सकते हो डोर पैड्स का लुक। और जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक रहने वाली है। और बाकी इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो नहीं आते हैं,
ये आपको ये वाइपर जो है ये भी आपको ऑटोमेटिक नहीं आ जाते, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो फ्रंट सीट की कुशनिंग है वो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता था जिसकी कुशनिंग। अगर हम इसके गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, 1.2 कापा VTVG पेट्रोल इंजन जिसके रिफाइनमेंट काफी अच्छे रहने वाले हैं। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलता है। क्या है कुछ स्टीयरिंग का ओवरऑल व्यू। तो अब चलते हैं हम रियर सीट में और देखते हैं कैसा कंफर्ट है, क्या स्पेस है। गाइज ये है कुछ रियर सीट का व्यू और स्पेस की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, स्पेस काफी बढ़िया है रियर सीट में। और यहाँ पर जो फ्रोर टनल है वो भी फ्लैट है, इसमें अभी 90 मैटिंग भी डाली गई है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसमें फ्लोर लिमिनेशन कराने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो फिटिंग क्या जबरदस्त रहने वाली है, ये आप देख सकते हो। गाइस रियर सीट की स्पेस काफी जबरदस्त है, आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट्स मिलते हैं फर्स्ट इन क्लास। इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी आपको ये फीचर नहीं प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप इसको एयर के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हो। और रियर एंड में भी आपको यहाँ पर 12 वोल्ट की चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। रियर स्पेस आप खुद देख सकते हो कितना जबरदस्त रहने वाला है। मेरी हाइट है 5'11" फॉर रेफरेंस, तब भी इतना लेग रूम जो है वो निकल के आ जाता है। हेड रूम की भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप देख सकते हो सामने क्या व्यू आ रहा है डैश का। पीछे से लुक आप देख सकते हो डैश का व्यू। यहाँ पर अभी जो रियर गियर है वो भी एंगेज किया हुआ है, तो रिवर्स गियर के एंगेज करने के बाद ऐसा कुछ रियर कैमरा का व्यू। इसमें आपको आगे भी फिक्स्ड हेडरेस्ट्स और पीछे भी फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये है कुछ हेलोजन लाइट बीच की। गाइस ये गाड़ी अब एक परफेक्ट पैकेज बन गई है, वाव फैक्टर जरूर है इस गाड़ी के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।